बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अलरहमान टीवी चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको विंडोज 7 इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। विंडोज 7 किस तरह इंस्टॉल करते हैं, पूरी वीडियो देखते रहे तो आपको पता चल जाए विंडोज 7 किस तरह इंस्टॉल होती है। तो इंस्टॉल करने से पहले मैं आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो अपडेट मिलती रहे। तो आइए दोस्तों चलते हैं विंडोज 7 इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों मैं विंडोज 7 USB से इंस्टॉल करने लगा हूँ। अगर आपको बूटेबल USB बनाने का तरीका नहीं आता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दे देता हूँ, आप उसके जरिए आप मेरी वीडियो देख लें USB बूटेबल किस तरह बनती है। तो आइए चलते हैं विंडोज 7 इंस्टॉल करते हैं, सिस्टम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट स्टार्ट हो गया, USB लगा दिया और यहाँ पे F12 दबाता हूँ मैं। ये F12 डेल का बूट मेन्यू है और HP का F9 बूट मेन्यू होता है। तो F12 दबाया मैंने और ये ऑप्शन आ गया यहाँ पे, USB का भी ऑप्शन आ गया, हार्ड का भी ऑप्शन आ गया। अगर आपके पास सीड रूम वगैरह है तो उसका भी ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप तो एक और है कि अगर आपके पास सीड रूम वगैरह नहीं है तो आप इससे USB के जरिए भी विंडो कर सकते हैं। अगर आपका सीड रूम ख़राब है तो आप USB के जरिए विंडो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पे इंटर करता हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया, प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम USB। यहाँ से हमारी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। विंडोज लोडिंग फाइल, यहाँ पे अपनी फाइल्स वगैरह है वो मुकम्मल करेगी। तो हमारी ये विंडो इंस्टॉलिंग आ गई है। तो हमारी जो यहाँ पे सेटिंग है हमने यहाँ पे ही रहने देनी है। यहाँ पे हमने इसको कोई तो यहाँ हमने कोई सेटिंग को चेंजना नहीं है। नेक्स्ट किया, इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया, सेटअप स्टार्टिंग। तो सेटअप स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन मांग रहा है, एक विंडो 86 और एक विंडो 64। 86 जो सी विंडो होती है वो 32 बिट होती है और 64 ही होती है। यहाँ पे हम 86 करेंगे। नेक्स्ट किया, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टीम्स, चेक लगाया। नेक्स्ट किया, यहाँ पे दो ऑप्शन मांग रहे हैं, अपग्रेड का मांग रहा है और कस्टम का मांग रहा है। तो हम कस्टम पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारी जिस ड्राइव में पहले विंडो हुई है तो हम उसी ड्राइव में विंडो करेंगे। मेरी पहले ड्राइव में विंडो हुई है तो मैं पहली ड्राइव में विंडो करूंगा। अगर आपके ड्राइव में सी ड्राइव में अगर कोई डाटा है तो आप डाटा को कॉपी करके किसी और ड्राइव में रख लें। ड्राइव ऑप्शन फॉर्मेट। तो दोस्तों अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो आप डिलीट करोगे तो आपकी पार्टीशन दोबारा नए सिरे से बनेगी। तो अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हो तो आपकी ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे फॉर्मेट करता हूँ, ओके और नेक्स्ट। तो आपकी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। उसने रिस्टार्ट का ऑप्शन मांग रहा है, यहाँ पे हम रिस्टार्ट नो कर देते हैं।
दोस्तों हमारे यहाँ पे 5 सेटअप थे, 4 सेटअप मुकम्मल हो चुके हैं। आपके सेटअप कंप्लीटिंग स्टार्टिंग वाला हो रहा है। दोस्तों हमारा यहाँ सेटअप मुकम्मल हो गया, सेटअप लिखने Startup is preparing your computer for first use. Startup is checking video performance. तो दोस्तों हमारी विंडो आ चुकी है, सेटअप अप विंडो। यहाँ पे वो यूजर नेम मांग रहा है, टाइप आई यूजर नेम फॉर एग्जाम्पल ज्वाइन। यहाँ कोई भी अपना नाम दे दो या कोई भी नाम दे दो। तो यहाँ हम दे देते हैं मलिक, MALIK मलिक दे दिए। यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे भी अगर आप पासवर्ड देना चाहें तो पासवर्ड दे दें, अगर नहीं देना चाहें तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप यहाँ पे विंडो एक्टिव का ऑप्शन मांग रही है, अगर आपके पास की है तो की दे दो, नहीं तो जब विंडो मुकम्मल हो जाए तो आप सॉफ्टवेयर के जरिए विंडो एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट किया। यहाँ पे आस्क मी लेटर करना होता है। वैसे तो 3 ऑप्शन दे रहे हैं, यूज कमेंटेड सेटिंग इंस्टॉल इंपॉर्टेंट अपडेट ओनली आस्क मी लेटर। आस्क मी लेटर करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप टाइम और डेट मांग रही है। यहाँ पे हम करते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम नीचे आते हैं, इस्लामाबाद कराची। यहाँ पे किया, टाइम डेट ठीक ही PM किया। यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे विंडो इज एनालाइजिंग योर सेटिंग। यहाँ पे दोस्तों उसने विंडोज खुद ही सक्सेसफुल कर दिया, एक्टिव कर दिया। यहाँ पे विंडो अल्टीमेट थी इसलिए इसने खुद ही सक्सेस कर दिया। अच्छा वो बात नहीं होती तो आप विंडो मुकम्मल होने के बाद सॉफ्टवेयर के जरिए कर सकते हैं इसको एक्टिव। दोस्तों हमारी विंडो मुकम्मल हो चुकी है। वेलकम, प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। दोस्तों हमारी विंडो मुकम्मल हो चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों आइकन किस तरह निकलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक किया, प्रोनराइजिंग पे गया। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है चेंज डेस्कटॉप आइकन। यहाँ पे क्लिक किया, जहाँ से भी आपने आइकन बाहर निकालने हैं उन पर चेक लगाया और अप्लाई किया, ओके कर दिया। दोस्तों हमारे ये ऑप्शन बाहर निकल आएंगे। दोस्तों आपसे एक दफा फिर गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।